हेलो गाइस, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, उसमें 90+ कैसे लेके आने हैं। अकाउंट का पेपर 120 मार्क्स का आता है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 100 मार्क्स का। देन एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो वेरी कंपलसरी होता है सबके लिए, जो करना ही होता है। और अब आई विल टेल यू हाउ टू व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। फाइनल अकाउंट एनपीओ पार्टनरशिप 36 to 48 मार्क्स देता है। कंपनी अकाउंट आपको 12 to 18 मार्क्स देता है। बीओनी का असाइनमेंट और एवरेज ड्यू डेट, करंट अकाउंट और ये सोगा, ये सब आपको 18 to 24 मार्क्स देते हैं। और इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, ये सब आपको 30 to 36 मार्क्स दे के जाते हैं। थ्योरी 6 to 12 मार्क्स की आती है। तो ये मतलब ये 5 पार्ट में डिवाइड है, आप 4 ऊपर वाले में से कोई 2 कर लो। जैसे कि आपने कंपनी अकाउंट और फाइनल अकाउंट एनपीओ पार्टनरशिप किया तो भी आप अच्छे गेन कर सकते हो। मतलब जिसको ओनली पास होना है वो इनमें से कोई भी 2 पार्ट कर लेगा, और जिसको मतलब 90+ लेके आने वो सब कुछ करेगा। थ्योरी पार्ट को मतलब जिसको जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया वो भी थ्योरी पार्ट छोड़ सकता है। थ्योरी पार्ट मतलब नेसेसरी है, लेकिन आप कर लोगे 12 मार्क्स की थ्योरी आएगी तो मतलब 6 मार्क्स का खुद से कर ही लोगे, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और 290 क्वेश्चन होते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर टोटल दोनों बुक्स के मिला के, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी। अगर आप एक दिन में 7-8 क्वेश्चन करते हैं तो भी आराम से हो जाएगा। स्टडी मटेरियल कम्प्लीट कर लीजिए, PYQ और सब कवर हो जाएगा अपने आप से, 90% पक्के हैं आपके। सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और फ्री स्कैनर इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।